नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद साहू, फाउंडर ऑफ युवा जीवन, और ये हमारी टीम है फुली डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग जो योगा आचार्य हैं। और योगा के माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को चलाना नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना। जो एनिमल्स हैं आज के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं, कोई एक्सीडेंट करके चला जा रहा है, कोई कुछ करके चला जा रहा है, उनको चोट है, कोई देखने वाला नहीं है, क्यों वो बोल नहीं सकते, बेजुबान है। तो आज हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया है युवा जीवन के माध्यम से कि हम एनिमल्स को हेल्प करेंगे, जो नीडी पीपल्स हैं उनको क्लॉथ के थ्रू या जो भी उनको ज़रूरत होती है उसके थ्रू हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी प्लांटिंग करना, यानी जो हमारा ग्लोबल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको हरा भरा करना। तो जानना चाहेंगे अपनी थोड़ी सी टीम से कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। और ये छोटा इरादा नहीं है, बहुत बड़ा विज़न है हम लोग का, विज़न और मिशन है। मनीष यादव जी, प्लीज़ बताएं अपने बारे में। नमस्कार, जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में योगा के प्लेस बताए थे, तो मैं आज योगा की सबसे पवित्र स्थान पे हूँ, सामने माँ गंगा, कानपुर का सबसे पवित्र स्थान परमठ आनंदेश्वर मंदिर, उसकी गोद में हम आज योगा कर रहे हैं। और हम आपको इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम आपको सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं देते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं कि हम किस किस जगह पे योगा किया जा सकता है। और सबसे अच्छी, सूर्य की रोशनी सामने से आ रही है, पवित्र घंटियाँ बाबा की बज रही हैं, कान में गुंजन सुनाई दे रहा है, शंख की आवाज़ आ रही है, अगल बगल माहौल है एकदम योगियों जैसा, अगल बगल लोग मंत्रोच्चारण हो रहा है, ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं, तो उन्हीं की गोद में हम लोग योगा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं आप भी योगा की शरण में आइए, और अपने आसपास भी यदि कोई जगह ऐसी है, ऐसी जरूरी नहीं आप माँ गंगा के किनारे गोद में ही हो, आसपास कोई नदी है, ऐसी जगह पे बनाइए और योगा स्टार्ट करिए। हमारी वीडियो के माध्यम से सीखिए आप, हम आपको हर चीज़ जान देने वाले हैं, हर चीज़ का नॉलेज देने वाले हैं, आप सीखिए और लोगों को स्वस्थ बनाइए। बाकी हमारी संस्था है, इसमें हम लोग एक प्रकार से पूरा एक प्रकार से ये जो है NGO है, इसमें हम सिर्फ लोग आप लोग को योगा स्वस्थ नहीं करेंगे, समाज में जितनी भी बुराइयाँ हैं हर चीज़ पे हम लोग प्रहार करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है। थोड़ा अमरीश जी से हम जानना चाहेंगे, ये बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं, बहुत कम एज के हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं। हम लोग साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट है हम लोग का कि नहीं, हमें चेंज करना है, हमें खुद को तो डेवलप करने करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे ओल्ड एज के लोग हैं जो आज अवेयर नहीं है, इनिशिएट लेते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं जानना चाहूँगा उनके विचार क्या हैं, रखें अपने विचार। नमस्कार, मैं योगाचार्य अमरीश वर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप आज हम आए हैं गंगा माँ के पवन जमी पर, यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और हम लोग फूल पत्तियाँ, दो पत्तियाँ ऐसे ही डाल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि हमारा जो एक गंगा माँ का पावन स्थल है, जमीन है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई रखनी है। जब आप साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारी गंगा माँ भी साफ़ रहेंगी। बहुत बुरा लगता है जब हमारे घाट गंदे होते हैं, हम लोग आते हैं बाहर से, हमारे लोग जब आते हैं देखने के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे घाट स्वच्छ रहें। हम लोग अभी तो बहुत हमारी छोटी टीम है, धीरे धीरे हम अपनी टीम को और से अच्छी बड़ी बड़ी करेंगे। और इसी के साथ मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि जैसे अमरीश जी का एक विचार देखा कि हमें घाटों को स्वच्छ करना है, आज सबसे पहले सर घाटों को स्वच्छ करने से पहले अपने दिमाग को स्वच्छ करना है, अपने घर के आसपास की चीज़ों को स्वच्छ करना है, अपने विचारों को स्वच्छ करना है। और जब यहाँ से हमारे अंदर स्वच्छता आएगी तो आप देख पाओगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये घाट की स्थितियाँ हैं थोड़ी सी, ये हम ब्लेम कर देते हैं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पैसा नहीं लगा रही है। सर गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, घाट पक्का कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन सर सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी आबादी में, इतना बड़ा, सबसे बड़ी गंगा नदी मानी जाती है और भारतवर्ष में फैली हुई है, एक अकेले इंसान के करने से कुछ नहीं होने वाला, हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा, हम सबको मिलकर छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप किसी संस्था से जुड़ो,
जरूरी नहीं कि आप सिर्फ युवा जीवन से जुड़ो, सिर्फ और सिर्फ जरूरी यह है कि अपने थोड़ा सा इनिशिएट लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, कभी भी मौका मिले जो गंदगी फैला रहा है उसको रोकिए, लड़ाई करके नहीं, बड़े शालीनता से, बड़े प्यार से, और साथ ही साथ अपना खुद का एफर्ट डालिए और थोड़ी थोड़ी सी गंदगी को साफ करिए जो भी आपके आसपास नजर आए। आने वाले टाइम पे मैं बिलीव दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इतना खूबसूरत भारत ऑलरेडी है, इतना खूबसूरत भारत होने वाला है, इतना प्यारा भारत होने वाला है, और जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके थॉट्स हैं, इतने ज़्यादा विचार अच्छे होने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं किन चीज़ों से, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे इनिशिएट से। जैसे कि आपने सुना है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति अगर सफाई करेगा गंगा तट की, तो आज से कुछ साल बाद, कुछ समय बाद हमारा जो गंगा तट है वो साफ सुथरा रहेगा। हम आपको ये वादा दिलाते हैं अगर आप इस मुहिम को चलाते हैं, इस तरह काम करेंगे, तो देखिए किस तरह फूल पड़े हैं, और आगे जाके साफ सफाई अच्छे से करेंगे, तो हमारा जो ये जगह हम आए हैं, तो ज़रूरी नहीं इसी जगह पवन स्तर पे आप सफाई करें, आप कहीं भी कर सकते हैं। और हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य रहेगा वो रहेगा लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग खुद जो है अच्छा नागरिक नहीं बहुत बनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है, मेरे को थोड़ा सा सही नहीं हो सकता, मेरे को थोड़ा सा हंसी आती है, इसीलिए इस बात की आती है। मनीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा जी, रोकना ये चाहूंगा कि आज मैं उन लोगों को करना चाहता हूँ, आप भले ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, आपका पड़ोसी हंसता है, आप उसकी हंसी को देखकर अपना योगा करना मत रोकें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, करियर आपका है, लाइफ आपकी है, स्वास्थ्य आपका है और हेल्थ आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, जी। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलानी है, हमें सीखने वाली बात है यार, भले ही छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग छोटी नहीं होनी चाहिए। फॉरन में इंडिया से ज़्यादा, इंडिया से ही योगा की उत्पत्ति हुई, यहाँ के ऋषि मुनियों ने तब यज्ञ तपस्या करके बहुत फैलाव किया, प्रसाव किया, आज फॉरेन में बहुत ज़्यादा लोग योगा को करते हैं, और हमारे इंडिया के लोग थोड़ा सा कपाल भाती करना स्टार्ट किया, बगल वाला हंस दिया और सामने वाला दूसरे दिन से बंद योगा। तो मेरा यह ज़रूर, बात को फॉलो करिए सर, बिल्कुल बेशरम हो जाइए, जिंदगी है तो सब कुछ है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और यही विज़न और मिशन के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ अपनी बात रखना चाहें तो ज़रूर रखें। और आपको हम एक जानकारी देना चाहेंगे कि योगा की पहली यूनिवर्सिटी अमेरिका में खुल चुकी है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे गोभी जी ने बताया कि योगा विदेश में ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया से ज़्यादा, तो मैं आपको इसी जानकारी दे दूं कि विदेश में यूनिवर्सिटी तक खुल चुकी है योगा की पूरी। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप सभी जानते हैं योगा की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी। जाग यार, मजाक शब्द बहुत, क्या मैं बोलूँ, मजाक अजाक रखिए, छोटे से कचरे के डिब्बे में, डस्टबिन में, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, यू कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है। तो इसी के साथ इस, और आशा करते हैं इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, जो भी मिले आप एनिमल की हेल्प करो, प्लांटिंग करो, अपने देश को हरा भरा करो, स्वच्छ करो। बाकी हम लोग देखिए गंगा जी के तट पे हैं, ठीक है, तो मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच एवरीवन।